आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में। आज हम लोग क्लास टेंथ का NCERT का प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24 को हल करना है, और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर जो हो y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस 3y इजकल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24, इसको समीकरण दो मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से चलना है तो समीकरण वन से चलेंगे, समीकरण वन से 2x प्लस 3y इजकल टू 11 या प्लस 3y के इधर रुकते हैं हम, बराबर के इधर, तो ये जाएगा इधर 11 माइनस 2x हो जाएगा, इसलिए y बराबर जो होगा 11 माइनस 2x बटा 3 हो जाएगा। नया समीकरण बन गया, इसको तीन नंबर मान लेंगे। इस मान को उठा के हम समीकरण दो में रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण दो में y बराबर 11 माइनस 2x बाई 3 रखेंगे 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें y का मान रखना है तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 4, y के जगह पे पूरे मान को रखेंगे 11 माइनस 2x बटा 3 इजकल टू माइनस 24। इसको हल करेंगे, इसको गुना करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2x माइनस 11 चौका 44 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा बटा 3 बराबर माइनस 24। इसके बाद यहाँ पे भिन्न का घटाव बनाएंगे हम लोग, 3 है इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 3 और 1 का LCM जो होता है 3 हो जाएगा, 1 से यहाँ 3 कटेगा 3 मर्द में, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 होगा, सेम का सेम उतर जाएगा ऐसे ही 44 प्लस 8x, दोनों एक साथ हैं तो एक से एक मर्द में कटेगा 3 से 3, और एक से गुना करेंगे इतना ही में पूरे में, तो पूरा वहीं होगा बराबर माइनस 24। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 जो है भागफल में है, इधर भाग में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुना बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x और 6x प्लस में है प्लस प्लस, तो ये जुड़ जाएगा तो 14x हो जाएगा माइनस 44 हो जाएगा, और ये आपका गुना हो जाएगा, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, तो माइनस 72 लिख दीजिएगा, या माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x बराबर माइनस 72 प्लस 44, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लगेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस 28, इसको लिखिएगा माइनस 28। अब इस मान को जो है माइनस 28 हो गया, इसलिए x निकाल लीजिए, और इस मान को जो है समीकरण तीन में ले जाके हम लोग क्या करेंगे रखेंगे, 14 दोनों 28 माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया। अब लिखेंगे अब समीकरण तीन में, जो कि यहाँ पे रोकने पे आया था y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3, इसी में जाके x बराबर जो है हम लोग क्या करेंगे जाकर रख देंगे समीकरण तीन में, x बराबर माइनस 2 रखने पर तो रखेंगे y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, बराबर लिखेंगे 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 बटा 3, ये बराबर हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा 15, 15 बटा 3, 3 पचे 15 कटेगा 5 मर्द में, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 आ गया, अतः x और y का मान जो है आ गया। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना, तो माइनस 2, और y बराबर जो है y बराबर 5 दिए गए समीकरण इसमें y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, y बराबर 5 समीकरण लिखिएगा, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रखेंगे y बराबर जो है mx प्लस 3 है,
या y का मान कितना है तो 5, तो 5 इधर रहेगा। m का मान निकालना है वैसे ही छोड़ दीजिएगा, x का मान माइनस 2 रखना है तो माइनस 2 रख लीजिएगा, प्लस 3 कर लीजिएगा। या लिखिएगा m बराबर माइनस 2 से m में गुना होगा, माइनस 2m हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, या 5 में से 3 गया 2, 2 बराबर हो जाएगा माइनस 2m, इसलिए m बराबर जो होगा 2 बटा माइनस 2 होगा, 2 अंजा 2 कट जाएगा, माइनस नीचे से कहाँ आ जाएगा ऊपर, बराबर माइनस 1 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा आपका, अतः m का मान जो होगा माइनस, अतः लिख दीजिएगा, अतः m इज इक्वल टू माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बनाए हुए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।